कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ नमकीन जवे, इसको नमकीन जवे भी कहते हैं, वेजिटेबल पुलाव भी कहते हैं, लेकिन इसमें मैं मटर वगैरह नहीं डालूंगी, बच्चों को पसंद नहीं है। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया और इसमें हम डालेंगे जीरा, एक जीरा डालेंगे और डालेंगे इसमें हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, लाल मिर्च अगर लाल मिर्च भी क्योंकि इसमें डालेंगे हम, और एक बड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई नहीं है तो पहले उसको रोस्ट कर लेना है। हमारे पास रोस्टेड है तो मैं उसे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी रोस्टेड है। और ये नाश्ता बहुत ही क्विक बनने वाला है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसको अच्छे से हम प्याज को पहले अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आलू, छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए आलू, कच्चा आलू है ये, इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसे हम अच्छे से भूनेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है क्योंकि इसे पूरा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसे पकाना है कम फ्लेम पे ही। और इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर क्योंकि मीडियम फ्लेम पे अगर हम इसको भूनेंगे तो जलेगा नहीं, ये पक भी जाएगा। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें हम आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च भी डालेंगे। तीखा कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसे हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि टमाटर जब तक अच्छे से इसी में इसी के साथ अच्छे से पक ना जाए, और साथ साथ आलू भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तब तक इसे हमें भूनना है और मीडियम फ्लेम को कर देना है। इसे हम ढक देंगे, ढकने से आलू और टमाटर दोनों अच्छे से पक जाएगा। तो इसे पहले हम ढक देंगे और ढक के हम इसे पकाएंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो अब हमने इसमें मेरा वो पक चुका था तो उसमें हमने पानी डाल दिया और वीडियो स्किप हो गया पानी डालने वाला। आलू और ये सब पक गया था तो उसमें हमने सेवई के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास एक कटोरी सेवई है तो उसमें हम डालेंगे 3 कटोरी पानी। और इसमें हमने डाला है 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसी के मेजरमेंट से हमें सेवई में पानी डालना है। अगर 1 कप है तो 3 कप पानी। तो देखिए ये बन गया, इसे पानी सूख गया इसका, हमने ढक दिया था फ्लेम को स्लो करके और ये पक गया। इसके ऊपर से हमने धनिया पत्ती डाल दी तो ये हमारा फटाफट से नाश्ता बनके रेडी है। और ये ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है भर भरा सा। अभी थोड़ा सा ये देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें पानी, लेकिन पानी नहीं है, सूखने के बाद ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए नाश्ता हमारा बनके रेडी है फटाफट से, चलिए आइए नाश्ता कीजिए। देखिए बनके रेडी है। तो इस तरह से इसमें आप मटर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, या मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये नाश्ता बनके रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शाम का समय और मैंने आरती वगैरह शाम का दीपक वगैरह जला लिया है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, बच्चों का मन है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम लिया है। इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और सुबह में हमने बनाया था नमकीन सेवई, यानी कि नमकीन जवे भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी वो नाश्ता लगता है। उसमें आप और सारे बहुत सारे वेजिटेबल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर हो गया या मूंगफली के दाने हो गए, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत टेस्टी नाश्ता था। और अभी मैं शाम का समय तो मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में पीस लूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स को, बादाम और काजू को हमने दरदरा मिक्सी में पीस लिया। ये हलवे में डालने पे बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह भी, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि घी से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और घी अगर कम रहेगा तो हलवा अच्छा नहीं बन पाएगा। वैसे तो हम लोग बेसन का हलवा रोज़ नहीं खाते, इसलिए कभी कभी खाते हैं तो थोड़ा सा घी ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं। तो इस क्योंकि घी जब तक हम अच्छे से नहीं डालेंगे तो हमारा ये हलवा अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो इसमें हमने घी डाल दिया है अच्छे से, इसे घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, और बेसन को हम मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भूनेंगे, धीरे धीरे करके भूनेंगे अच्छे से इसे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और तब तक भूनेंगे तब तक जब तक इसका हमें खुशबू नहीं आने लगी। जब तक बेसन जब पक जाता है अच्छे से भून जाता है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो तब तक हमें भूनना है जब तक इसकी खुशबू अच्छे से आने नहीं लगी। इसलिए हमें चलाते रहना है, इस तरह से लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा
और फ्रेंड्स मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है और ये थोड़ा सा सर्द गर्म हो गया क्योंकि कभी कभी मौसम ऐसा हो जा रहा है कि बारिश हो जा रही है, गर्मी कभी ठंडा, ऐसे हो रहा है, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसलिए थोड़ी जुकाम वगैरह भी हो गया है और मेरी आवाज़ भारी हो गई है। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए इसमें खुशबू आने लगी है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसे और भून लेते हैं। बस इसे हमें चलाते रहना है, अब फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखना है, नहीं तो हमारा ये बेसन जो है जल जाएगा। और ये बहुत टेस्टी, देखिए कलर चेंज हो गया कितना अच्छा। अब इसमें चीनी हम डालेंगे, मीठा भी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमने चीनी डाल दिया और इसे अच्छे से हम भूनेंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लिया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि घी इसमें अच्छा है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। और ये बेसन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसमें हमने आधा कप से भी कम, 4-5 चम्मच के करीब में हमने पानी इसमें डाला है। और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे और इस ये जो बेसन जो है ना बिल्कुल दरदरा सा दिखने लगा, दानेदार जब दिखने लगे सोचिए कि समझ जाइए कि बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है और हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए हलवा हमारा बन के रेडी है। और ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये मैं समझिएगा कि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाला है वही दिख रहा है, बादाम वगैरह जो हमने काजू जो डाला था वही दिख रहा है। तो देखिए हलवा बन के रेडी और ये बहुत ही टेस्टी लगे क्योंकि इसमें हमने पानी बहुत ही कम डाला है और अच्छे से घी इसमें डाला है, अच्छे से हमने भुना है, तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप ट्राई करें। तो शाम में बच्चों का ये एक नाश्ता भी हो गया और बहुत अच्छा नाश्ता है। तो कभी कभी हम थोड़ा सा घी ज़्यादा भी खा लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं। तो देखिए हलवा हमारा बनके तैयार है और बेटे का मन है इस पे हम डालेंगे ड्राई स्ट्रॉबेरी, जो आया हुआ है वो बोल रहा है कि मम्मा इसमें डाल दो मैं उसके साथ ही खाऊंगा। तो देखिए उसमें दे रहा है कि मम्मी तुम इसमें डाल दो मैं इसके साथ खाऊंगा, उसको बहुत अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो ये ड्राई है, जो पैकेट आता है वो स्ट्रॉबेरी है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ और एक एक करके मुझे दे रहा है। तो चलिए बच्चों का मन भी रह जाता है और ये कभी कभी इस तरह से शाम में बन जाने से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और ये हलवा ऐसे घी ज़्यादा है लेकिन रोज़ थोड़ी हम बेसन का हलवा बनाते हैं, इसलिए कभी कभी बच्चों को देना कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं बच्चों को दे दूँगी उन्हें, तो शाम का नाश्ता कर लेंगे, तो शाम में देखती हूँ शाम में कुछ बनाऊँगी। तो शाम में हमने बनाया था ये काली दाल, जो उड़द की छिलके वाली दाल होती है वो हमने दाल बनाई थी तड़के वाली, और बहुत ही टेस्टी दाल बना था। और अब मैं बनाऊँगी भिंडी फ्राई, भिंडी फ्राई खाना है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सिंपल है बनाने में। तो अब मैं बनाऊँगी भिंडी फ्राई। तो तेल को अच्छे से, सरसों तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि सरसों का तेल हमें अच्छा लगता है और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और इसमें हमने डाला मेथी का दाना और इसमें एक कटा हुआ प्याज, इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। और भुनने के बाद थोड़ा सा हमें इसे सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि इसमें हम जब डालेंगे भिंडी, तो देखिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया है, ब्राउन भी हो गया है। अब इसी के साथ भिंडी डाल देंगे तो भिंडी के साथ भी थोड़ा बहुत और भुन जाएगा। तो इसमें हमने डाल दिया भिंडी और ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसे हम डाल के अच्छे से भून लेंगे भिंडी को भी। प्याज के साथ भुन जाएगा तो प्याज भी और थोड़ा भुन जाएगा इसके साथ साथ, और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है भिंडी को। जुकाम से गला भी बैठा जा रहा है, पता नहीं क्यों सबको हो गया है, ये मौसम ही ऐसा चेंज हो रहा है कि सबकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो ये देखिए भुन चुका है, अब इसमें हम कुछ डालेंगे मसाले। मसालों में हमने अदरक लहसुन का पहले पेस्ट डाला और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। और इसके साथ साथ हम थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। और इसमें हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर से हम बारीक कटा हुआ टमाटर चॉप किया हुआ इसके साथ ही डाल देंगे। तो देखिए थोड़ा सा भुन चुका है, तो अब इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ के साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। और इन्हें मीडियम फ्लेम पे ढककर, हमें पानी बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करना है भिंडी में, तो इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे और टमाटर भिंडी को अच्छे से गलने देंगे। एक बार इसे चला के देख लेते हैं, तो देखिए टमाटर और भिंडी सॉफ्ट हो गया है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक पैकेट मैगी मसाला। ये मैगी मसाला से सूखा आप अगर भिंडी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
इसमें हमने डाल दिया मैगी मसाला, इसलिए हमने कोई और मसाला ऐड नहीं किया था, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी हमने ऐड की थी। तो ये हमारा फ्राई भिंडी भी बनके रेडी हो गया। अब खाने के समय मैं रोटियां बनाऊंगी और सबको खाना सर्व कर दूंगी। तो भिंडी हमारा बनके रेडी है, देखिए सूखा सूखा सा, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे रोटी के साथ वैसे भी आप खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो भिंडी हमारा बनके तैयार है, तो रात का डिनर हमारा तैयार हो गया। अब मैं रोटी बनाकर शीरो शीरो नीनी आ रही है क्या? नीनी आ रही है, चलो छो जाओ छो जाओ छो जाओ छो जाओ मेरा शीरो। शीरो भी खाना खा लिया है, खाना खा के शीरो सो रहा है, शीरो को नींद आ रही है। शीरो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है ना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।